है बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। जश हत्याकांड में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करनाल के एसपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे करने वाले हैं और इस खुलासे पर हरियाणा न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है कि क्या खुलासा किया जाएगा और खुलासा इस सवाल पर हो सकता है कि जश की हत्या किस वजह से की गई थी। तो आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल भेजा गया था। तीन अभी तक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है जिसमें चाची अंजलि है, ताई और दादी भी इसमें शामिल है। तो हत्या के आरोप में गिरफ्तार चाची अंजलि, शव को खुर्द बुर्द करने वाली ताई धनवंती और दादी स्वर्णदे को शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बावजूद अभी भी लोगों को हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे में लोगों ने पुलिस ने कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया हुआ है और इसी को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, वो सवाल यह है कि आखिर हत्या किस वजह से की गई। इसका खुलासा आज एसपी कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, ये कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी? यश, अगर बात की जाए जश हत्याकांड मामले में, और आज करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो करीबन 12 बजे के करीब जो है प्रेस करनाल जो है मीडिया को मीडिया से रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं जो जश हत्याकांड में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खुलासा जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से कल जो सीआईए शाखा के जो अधिकारी हैं मोहन लाल, उन्होंने भी बताया था कि आज करीबन 12 बजे जो है जो करनाल एसपी है वो प्रेस वार्ता कर जो इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे, क्योंकि परिवार काफी लंबे समय से ये मांग भी करता आ रहा था कि जिस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, तो वो अब देखना ही होगा कि अब करीबन 12 बजे के बाद क्या कुछ जो एसपी है परिवार को संतुष्ट कर पाते हैं। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज एसपी बड़ा खुलासा कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करीबन की जाएगी। तो एसपी गंगाराम पुनिया आज प्रेस वार्ता करके सफाई देंगे और हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस वार्ता का समय तय किया गया है। सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहनलाल ने यह भी बताया कि अभी कोई अन्य आरोपी बाकी नहीं है, पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। तीन आरोपियों का रोल इसमें देखा जा रहा है और तीनों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार करके रिमांड के दौरान बरामदगी भी की गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या खुलासा होगा और सबसे बड़ा सवाल का जवाब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सवाल यही है कि हत्या की वजह क्या है। चलिए बढ़ते आगे।